वैसे तो दादाजी कुछ खाते नहीं, फिर मैंने बहुत फोर्स करा क्या खाओगे तो दादाजी ने बोला तो गोलगप्पे ले आई हो। तो यहाँ पर केक लेके आ चुके हैं हम, जिसपे लिखा है लव यू दादाजी, और ये ऊपर की क्रीम निकाल निकाल के खा रही है ये मेरी साली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी। ओ हां, ये पार सारे पैसे वसूल हो गए, दादी ने खिला दिया था। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। ये है दिव्या मेरे साथ और आज बहुत खुश है, और इसकी खुशी का कारण ये है कि आज इसके दादा दादी नहीं दादाजी का बर्थडे, आज सिर्फ दादाजी का बर्थडे है। दादाजी का बर्थडे है और सुबह सुबह ही मैंने उनको विश कर दिया था फोन करके, और मैंने अभी विश नहीं किया क्योंकि मैं तो भाई दमाद हूँ, दमाद थोड़े चिड़े मतलब ऐसे होते हैं ना, अकड़े वाले होते हैं ना, अपने आप मेरे को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि भाई दमाद जी आपका फोन नहीं आया, मेरा बर्थडे है तब विश करूंगा मैं, दमाद हूँ। तो हम सोच रहे थे कि दादाजी से मिल के आएंगे, बहुत दिन से दादाजी मुझे याद कर रहे, बहुत टाइम से गए नहीं घर, और हमें इन्विटेशन ही मिल गया, ये सोच ही रही थी। और हमें नहीं, फिर मैंने सोचा दादाजी से मिल के आऊंगी और दादाजी के लिए कुछ ले जाऊंगी खाने वाने का। दादाजी आज मुझे कह रहे थे कि मेरे लिए गोलगप्पे ले आई हो, तो मैंने सोचा था वो लेके जाऊंगी। तब तक फिर दादी का भी फोन आ गया मेरे को कि यहीं डिनर करना है, सबका डिनर यही है, तो हमने कहा तो और बढ़िया हो गया। तो बस अभी चाय वाय नीचे पियेंगे, उसके बाद हम थोड़ी देर में जाएंगे दादा दादी के पास और देखते हैं क्या लेके जाते हैं। गिफ्ट कुछ मुझे ऐसे समझ नहीं आता, पर मैंने कुछ सोचा अगर वो मुझे मिल जाते तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो क्या है। तो चलो, अबे गिफ्ट मेरे को समझ आ गया, देख खाना तो उनकी तरफ से हो ही रहा है। हाँ। तो गिफ्ट में गोलगप्पे दे देंगे। हाँ। कल खा लेंगे दादाजी। तो चलते अभी नीचे और चाय पीते हैं। चलो। नमस्ते दादाजी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, आज दादाजी का जन्मदिन है और हम यहाँ आए हैं। नमस्ते दादी। तो यहाँ दादाजी दादी जी के घर आ गए हैं मिलने के लिए, और बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं। वैसे तो दादाजी कुछ खाते नहीं, फिर मैंने बहुत फोर्स करा क्या खाओगे, तो दादाजी ने बोला तो गोलगप्पे ले आई हो। हाँ, तो हम गोलगप्पे लेके आ गए हैं दादाजी के लिए। तो अभी थोड़े गोलगप्पे खाते हैं और फिर चाची लोग भी आएंगे अभी आज, जैसा कि आपको पता है कि चाची की मम्मी नानी का डायलिसिस चल रहा है, तो वो डायलिसिस करवाने जाएंगे, फिर वो आएंगे। हाँ, तब आएंगे और तभी फिर हम डिनर करेंगे। गिफ्ट मैंने कुछ सोचा है, ये मैं तो संभालना क्या लेके आई है खाऊंगी। और केक भी हम ला चुके हैं, कुणाल यहाँ नहीं, कुणाल मसूरी गया हुआ, तो कुणाल ने बोला था दादाजी के लिए केक ले जाइए, तो मैं केक भी ले आई हूँ। और बुलाते हैं अभी तन्नू को, चाची को, मम्मी पापा को, और सबसे मिलवाते हैं गोलगप्पे खाते हैं। और ये बर्थडे बॉय की सबसे छोटी बहू गोलगप्पे हमारे लिए खोलते हुए, नहीं दादाजी के लिए खोलते हुए। और वड़ा पाव गर्ल वाली के बाद दिव्या फेमस हो रही है गोलगप्पे वाली, MBA पानी पूरी वाली, ये देखो ज्यादा महंगे नहीं है, बस 100 रुपए का एक गोलगप्पा है। हाँ। लड़ाई कर, तू भी लड़ाई कर दे भैया। और मैं 4 से ज्यादा गोलगप्पे नहीं देती। क्यों? मेरा वो है, मेरे बहुत सारे कस्टमर है, फिर सबको मिल नहीं पाता ना। अच्छा, कैसे लगे दादाजी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दादाजी को टेस्ट तो पसंद आ गया। एक तो बनता है, मेरे ना गले में खुशी होता है, एक खाने से खुशी। हम तो खा ही लेंगे। और यहाँ पर बड़े चाचा चाची भी आ चुके हैं और दादाजी को बर्थडे विश कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ खाने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ खाने वाले लोग बैठ गए हैं, पर बीच में यही है जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, ना खाना देने में, ना साइड हो जा। खाना खाने के बाद अब हम सब खा रहे हैं आइसक्रीम और कर रहे हैं खूब सारी बातें। तो सबने खाना खा लिया है और दिव्या यहाँ कुछ कर रही है। दिव्या क्या कर रही है, एक बार बताएगी हमारे व्यूअर्स को? कलर निकाल रही है, किस लिए? तो इन इस कलर को निकाल के दादा दादी का हैंड इम्प्रेशन लेने वाली है। कब बिठाई है दादाजी? दादाजी, हाँ। इसमें हाथ डालना है आपको ऐसे पूरा, पहले पूरा फैला तो सही उसको, हाथ दोनों हाथ में लगाना है, ठीक है? और दादी आपको ये वाला लगाना है, दोनों हाथ में ले लो, पूरा ले लो अपने हाथ में, पूरा ले लो हाथ में, दोनों हाथ में लगाओ, ऐसे ऐसे करो, दोनों हाथ पे मल दो दादाजी, और फिर ये दिव्या के मुंह पे, ऐसे नहीं, आगे आगे से, बस आगे आगे से दादी, ऐसे करके मलो,
चलो ठीक है। अब दादाजी यहाँ पे ऊपर ऐसे करके, दादाजी ऊपर करेंगे और दादी नीचे करेगी। मैं बताऊंगी कहाँ पे दादाजी, आप ऊपर वो करके लगाओ ऊपर की तरफ। हाँ लगाओ ये, और इसके बाद हम जाएंगे त्यागी दस्तावेज पर। चलो अब सीधा ऊपर उठा दो दादाजी। और दादाजी ये बस, और दादाजी कल तक सामान भी पैक कर लेना। ये अंगूठा नहीं लगा वो वाला, ये वाला। हाँ मेन तो अंगूठा है दादी। चाचा जी मेरा साथ दे रहे हैं। चाचा जी उठा लो ये। दादी थोड़ा सा रह गया, करो इसमें जरा पूरा। दादी तेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी ये नहीं ले सकते क्योंकि फिंगरप्रिंट डबल हो गए। और यहाँ पे भी कर नहीं नहीं हाँ ठीक है चलो दिव्या के मुंह पे। अब दादाजी ये दिव्या के मुंह पे भी लगा दो, दिव्या के मुंह पे। अरे क्या है यार बन गया। हाँ ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये रहा दादा दादी का हैंड इम्प्रेशन। और इसको अब यहाँ पे मैं दादा दादी की फोटो लगाऊंगी बीच में। हाँ। और ये परमानेंट हम फिर इसको फ्रेम करवा देंगे। हाँ। ये हमेशा हमारे पास रहेगा। हाँ। और ये हैंड ये दादाजी का हैंड इम्प्रेशन दिखा दो एक बार। तन्नू ने तो यहाँ पर केक लेके आ चुके हैं हम, जिसपे लिखा है लव यू दादाजी। और ये ऊपर की क्रीम निकाल निकाल के खा रही है ये मेरी साली। भाई क्यों कर रही है केक, क्यों झूठा कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू। सबसे पहले दादी को मेहनत किसने क्या करी है, मेहनत घुमाया मैंने स्कूटी पे बैठी मेरे पीछे। अरे सारे पैसे वसूल हो गए, दादी ने खिला दिया। दादाजी आप ही खिलाओ ना प्यार से जैसे दादी ने खिलाया। ये दादाजी अपना मुंह भी फोड़ रहे हैं, इसमें आ गए देखो। कैसे कैसे खिला रहे हैं दादाजी। मम्मी की तरह। हाँ। तो अच्छे से हमने केक काट दिया, अब जल्दी से तन्नू जीजू को दे दे, एक बार बैठो सबकी फोटो खींच दे, फैमिली फोटो। चलो चाची चाचा। तो अब हम खाते हैं केक, उसके बाद मिलते हैं आपसे और थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। और देख सकते हैं मैं और मेरी साली कितने सुंदर नहीं लग रहे हैं, गंदे गंदे से लग रहे हैं, दोनों ही नहीं नहाया क्योंकि बच्चों के पीछे खड़े। और यहाँ दिव्या ने कुछ लिखा है, दिव्या बताओगी क्या लिखा है। ये मैंने दादाजी दादी जी लिख दिया, और इधर दादाजी का नाम जेपी सुंदरयाल और आज की डेट, और यहाँ दादी का नाम विचित्रा और तीन। नब्बे तो बहुत बढ़िया धूमधाम से बनाएंगे। और सब जाते हुए और डांस की स्टेप भी तैयार कर दिया, फिर से पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे। मैं ये ले जा रही हूँ लहंगा बनवाएंगे, बहुरानी लहंगा पहन। ये देखो इनको देखो, लहंगा अभी से हो गया इनका तैयार। आइए मिनी स्कर्ट पहनेंगे, तो इसको मैं ले जा रही हूँ घर में और इसको पूरा करके फिर वापस पहन। तो अभी हम इसे पूरा करेंगे। चाची ठीक है, बाय 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 बाय, चलते हैं मिलते हैं आपसे कल बाद में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और दिव्या दिखा रही है मम्मी को कि उसने आज क्या गिफ्ट दिया दादा दादी। दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसे इस बार ऐसे करा। कैसा लगा मम्मी। बहुत अच्छा लगा।
तो ये मतलब हमारे साथ हमेशा रहेगा दादा दादी का हैंड कंप्रेशन। हाँ, तो इसको अच्छे से फ्रेम करवा के और पूरा करके एक फोटो क्लिक करिए, वो फोटो लगवाऊंगी बीच में और इसको फिर हाँ दोनों की और उसको फ्रेम करके फिर उन्हीं के घर में ये मैं उनको दे के आता हूँ। ठीक है, दिखा दिया दादा। हाँ दादा दादी से ही तो लिया दोनों के हाथ के अंदर। तो क्या आँख बंद दादा जी के? हाँ ये दादा जी के, दादी के। दादी की उंगलियाँ थोड़ी टेढ़ी है पर दादी ने ऐसे कर दिए हाथ। और मम्मी देख लो, हम दामाद और बेटी को बुलाया, आपको कोई न्योता ही नहीं भाई, बुला ही नहीं रहे, अब पुराने हो रहे हो जैसे जैसे आप। तो हमें क्या बुलाएंगे, बच्चों को ही, बच्चों का ही तो उत्सव होता है, बड़ों ने क्या करना है भाई। थोड़ा सा वो रखो लड़के वालों की तरफ से, आप थोड़ा सा दबा के रखना चाहिए। वो हमारे बहुत उनका आशीर्वाद मिल जाए हमें, वही हमें बहुत है। और यहाँ पर हम आ गए हैं, आज हमने इसको नहीं दिखाया ना, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, आज अच्छे खिंचकाए ओ लोले गले क्यूट जी। हाँ छुप दो बेबी, बेबो बेबो स्माइल करके दिखा दो यार, थोड़ा थोड़ा दो यार, प्यार दिखा दो थोड़ी। और आज इसकी आई है मौसी, ये देखो मौसी है। हाँ भाई मौसी, ये मेरी दूसरी साली, अभी एक साली से मिले तन्नू से, और ये भी मेरी दूसरी साली है ईशु। और यहाँ हम पुच्चू से मिलने आ चुके हैं दादाजी का बर्थडे मनाने के बाद। तो गाइस घर आके हम लोग हो चुके हैं फ्रेश। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज कुणाल कहाँ था, तो मैं बता दूं कि कुणाल गया हुआ है मसूरी किसी काम से, इस वजह से वो आज दादाजी के बर्थडे में नहीं था। और दिव्या भी आ रही है ऊपर, पुच्चू के साथ ही खेल रही है नीचे। तो आज का बर्थडे तो बहुत अच्छे से एंजॉय करा हमने। आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि दादाजी आज कितने साल के हो गए होंगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, मतलब ऑप्शंस दे देता हूँ, उसमें से आप लोग गेस करके बताओ कि कितने साल के। उन सब में से एक एज है जो बिल्कुल सही है, तो मैं एज देता हूँ 84, 85, 86, 87। तो इन चार में से एक सही जवाब है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा वो सही जवाब है, और जिसने भी सही जवाब दिया उसको हम देंगे शाउट आउट। और कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दादाजी को दे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग ताकि वो अपने पूरे करे 100 साल, और फिर हम 100 साल वाला व्लॉग भी लाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.